राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के एक बार फिर तक स्वागत करूँ हूँ। तो वह सुना दो भाई पटवारियों और पटवारणियों के ज्ञान से तारा, तो भाई पटवारियों और पटवारणों खातर भाई एक फिल्टर पार्ड खबर आई है जैसी ब्रेकिंग। ग्राम सचिव और पटवारी वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए उनके भी फिल्टर पाटेंगे भाई। फिल्टर फटे वाली खबर आई है, बहुत ही बुरी खबर आई है। सुन की जमानु छीन बीन हो जाओगे तम, यो के कुछ हो गया मारा गया तम ननू कौन मेरा पाटा यो उनके लग रहा है। ठीक है, खबर देख लो भाई क्या आई है। उसका पहला भाई, अगर कोई भी ग्राम सचिव पटवारी खातर पूरा पूरा पंचायती राज चाहो तो मात्र 100 रुपया में पूरा पूरा पंचायती राज मिल जाए विद PDF नोट्स MCQ क्वेश्चन के साथ। MCQ यानी ऑप्शन वाले पर्सन, अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा ऐप का। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो जो भी मतलब ये लेना चाहो है। कोई मॉक टेस्ट लेना चाहो ग्राम सचिव पटवारी खातर तो 40 रुपया में 10+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी ले सकेगा। मैथ का कोर्स भी मिल जाएगा 200 रुपया में ग्राम सचिव पटवारी खातर और CET के लिए भी। उस देखो भैया खबर आई है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, सार्वजनिक सूचना आज का अखबार कमाई है। ये थोड़ा ज्ञान बांट रखा है, OMR वाला पेपर होगा, नूनू होगा। ठीक है, सुबह की 70 की परीक्षा नियमानुसार जो टाइम टूम है, ठीक है, ये तो तारे एडमिट कार्ड आ जाएंगे उस टाइम मेरा पाठ जाएगा। जो जो मेन जो चीज़ आई है खबर वाली वह आड़ है। ठीक है, के लिख रखा है, यह भी दिखते तो होंगे अक्सर सही दिखे हैं, यह भी सूचित किया जाता है कि OMR आंसर शीटों का मूल्यांकन करते समय भारतीय सांख्यिकी संस्थान की सलाह पर आयोग ने नॉर्मलाइजेशन का परसेंटाइल मेथड अपनाया है। ठीक है, जो करीब फीमेल कांस्टेबल कम है अरिभागा जो मेल कांस्टेबल का रिजल्ट आगा उसका भी यही मेथड अपनाया जाओगा। जैसे कि परीक्षा मल्टीपल शिफ्टों में होगी, अतः परिणाम भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा सुझावित नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अनुसार उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक की परसेंटाइल के आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, सुबह के 70 हेतु केवल परीक्षा के समय में परिवर्तन है। अच्छा, कुछ समय का मैं भी परिवर्तन किया गया है भाई। सुबह के 70 के लिए 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है रिपोर्टिंग समय, प्रवेश समय सुबह 11:15-10 बजे। ठीक है, वो परिवर्तन वो तमना एडमिट कार्ड में मेरा पट जाए। यानी कि जो मेन जो चीज़ आई हो क्या आई है भाई, नॉर्मलाइजेशन का परसेंटाइल मेथड पहला खबर आएगी है। नॉर्मलाइजेशन का परसेंटाइल मेथड है वो अपनाया जाओगा, तारा रिजल्ट कम है। ठीक है, यो मेथड है, यो बेहद ही खतरनाक मेथड है। इसका मैं सलेक्शन किसका होगा इस मेथड का रिजल्ट आओगा तो जिसकी किस्मत अच्छी होगी ना सिर्फ उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, टोटली लक के ऊपर डिपेंड है, लॉटरी वाला सिस्टम से किस्मत होगी तो मिल जाए सिलेक्शन, बाकी से कितना पढ़ लियो इस मेथड का मैं सिलेक्शन होना मतलब पढ़ के तो जाओ जाओ के मेरा किस्मत तारी भी को यहाँ खुल जाए। दो चाबी हुए हैं, एक तारी हुए है तारी मेहनत की चाबी, एक हो अगर भगवान की चाबी जो तारी किस्मत की चाबी है। ठीक है, तिजोरी देखी होगी, दो चाबी लागे पचक खुले अगर कही तिजोरी तो तम वाई या पेपर वाली वाई तिजोरी है। ठीक से तम तारी चाबी ना लगाई रखो के बरा भगवान तारी किस्मत की चाबी कदम भर देगा। ठीक से तो अपना मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। किस्मत होगा पेपर तो देने जाओ, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं सही भाई, किस्मत में कौन था। ठीक है, लेकिन ये मेथड खतरनाक है, परसेंटाइल मेथड ये बेहद ही खतरनाक है। इसका मैं जो करनू है कट ऑफ हुआ तारी, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर सिर्फ 5 हैं, बाबू मरण वाले बहुत कम लोगों से मिले हैं जो 10 मिले हैं। वैसे इसका मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर को नहीं, एक्स्ट्रा ग्राम सचिव पटवारी का मैं सिर्फ 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं। 90 नंबर का पेपर होगा, 90% आऊँगे, 1 नंबर का 1%। ठीक है, और 5 नंबर एक्स्ट्रा उसके मिले हैं जिसका घर में सरकारी नौकरी नहीं, और 5 नंबर एक्स्ट्रा जिसका बाबू मर रहा है। ठीक है, तो यानी कि लगभग सारे दौरा 5 एक्स्ट्रा हैं, बाबू वाले तो कमा का दो रहे हैं। तो इसलिए जो तारीख कट ऑफ है वह 100+ तो रवे रहेगी, यानी कि 102-103 का आसपास रह सके है। तो यानी कि नू समझो एक्स्ट्रा नंबर वाले जिसके पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं है उनके चांस बहुत कम है सिलेक्शन के। ठीक है, फिर भी आप लोग ट्राई ज़रूर करियो भाई, एक्स्ट्रा नंबर यानी जिसका घर में सरकारी नौकरी नहीं, उसके 5 नंबर जिनका दौरा नहीं है उनके चांस कम है, लेकिन ट्राई ज़रूर करो। मतलब कि 50-50 चांस हैं, 50 तक भी कम लगा लो 40% चांस है तारे सिलेक्शन के। बेस्ट बाय चांस भाई तम के बेरा तारा मतलब टोटली पेपर के ऊपर डिपेंड करा, पेपर किसा होगा, पेपर आसान आया तम तारी शिफ्ट के टॉप पर लिगड़े तो तारा बिना एक्स्ट्रा नंबर भी के बेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये सब जनरल कैटेगरी खतर और खतर मतलब सारिया खतरे बात है, सीधी सिखानी आगे समझ में। यानी कि बाय चांस पेपर आसान ता ना आवे है तम तारी शिफ्ट के टॉप पर हो है तो सिलेक्शन हो भी जा, जरूरी थोड़ी ना कटअप सोता ऊपर जावे के बेरा 99 पर अटक जावे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है पेपर जरूर देने जाइए, कोई भी डिमोटिवेट ना हुई हो पेपर देने में के जा कि मैं कौन जानता के बेरा को यहाँ किस्मत में के बेरा लक है वो तारा काम कर दिया और पाछा दुख हो पेपर देने नहीं जाओगे तो हाँ वो चले जाते तुम्हारा भी हो जाता सिलेक्शन। ठीक है, तो पेपर देने जरूर जाइए, लेकिन ये मैथड खत्म सिस्टम बहुत ही मतलब कि खतरनाक मेथड है सिलेक्शन के चांस नू समझो, जिसका तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं उनके तो बिल्कुल ही खत्म है।
चांस 40% चांस है, जिसका द्वारा एक्स्ट्रा नंबर हैं उनके भी मतलब कि इस मेथड का तहत मेरा क्या होगा, वो ये सिस्टम होगा जिसके 50 नंबर हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा और के मेरा 65 वाला नुक्का नु बैठा रहा है। ठीक है, परसेंटाइल मेथड पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, नुक्की सारा समझा रहा क्या मेथड इसका तहत कुक रिजल्ट बना है। इस वक्त क्या अगर 65 वाला का सिलेक्शन को नहीं होगा और के मेरा 50 वाला का सिलेक्शन हो जाए, तो इसलिए परसेंटाइल मेथड है, लक के ऊपर डिपेंडेंट है। जय तारे फिल्टर पट्टे ग्राम सचिव पटवारी हो, ठीक है, खबर आई कि मैं दिमाग का फिट हो ही समझ में पहला ही नोटिस कह दिया आदड़ा अखबार का, मैं पहला ही सचेत करने खातर कहते फिर पाछा रोना धोना करो और दे रखा है कि दे रखे सूचना दिनांक अच्छा बाकी वाली सेम टू सेम रहूँगी। ठीक है भाई, तो सर ती राम राम धन्यवाद। एडमिट कार्ड तारे एक या दो तारीख के आसपास हैं वो डाल दिए जाऊंगे, टेंशन ना लो एडमिट कार्ड डांगे, एक तारीख उसमें लिख रखी दो या तीन ना डलेंगे, लंडा ले लो खेच जाओ फटाफट।